अस्सलाम वालेकुम, घबराना नहीं है। आज से तकरीबन मैंने 15 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि शायद इस साल एप्पल आईफोन 12 लॉन्च नहीं करेगा। वो मुझे खुद भी कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने शायद का टैग लगा के वो वीडियो बना दी। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, क्योंकि यार हमें लग रहा था यार वावे ने लॉन्च किया, सैमसंग ने लॉन्च किया, तो इसको क्या मौत पड़ सकती है कि ये क्यों फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा। बट ऐसा हुआ यार, पूरे दिन एक्साइटमेंट थी, लाइक मैं काम सारे निपटा रहा था। मैंने बोला 10 बजे रात को लैपटॉप के सामने मुझे होना है, और जैसे ही मैं हुआ देखता रहा एप्पल वॉच इनका ख़त्म नहीं हो रहा, एप्पल वॉच के बारे में दिखाए जा रहे हैं, आईपैड एयर आ गया लेकिन आईफोन नहीं आया, और इनका लॉन्च इवेंट खत्म हो गया। लेकिन वेट, इसके पीछे सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन आ रही है कि कोरोना वायरस की वजह से आईफोन के जो पार्ट्स हैं वो लेट आए, अगस्त के एंड में आए, सितंबर को लॉन्च इवेंट था इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया उसको इतनी जल्दी असेंबल करना, इसलिए आईफोन के लॉन्च इवेंट को डिले कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस साल आईफोन लॉन्च नहीं होगा, मतलब 90% तो चांस यही है कि लॉन्च नहीं होगा, अगले साल ही आईफोन 12 की सीरीज आएगी। बट वेबसाइट्स के मुताबिक, लीक्स के मुताबिक अगले महीने अक्टूबर को एप्पल एक और इवेंट करेगा जिसमें वो आईफोन के लाइनअप को लॉन्च करेगा। अब ये भी स्टिल एक न्यूज़ है, इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और जो मेरे भाई वेट कर रहे थे कि आईफोन 12 आएगा तो इसके प्राइस वेट गिर जाएंगे, तो आईफोन 11 प्रो के प्राइस गिर जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त नहीं है, आपको बाय कर लेना चाहिए और इतने ज़्यादा प्राइसिंग नहीं ड्रॉप होती। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करनी है कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, बेसिकली एक Q&A वीडियो होगी जो एवरी संडे पोस्ट होगी। तो आप अपना कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं #ZainGaffar लिखें और आगे अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं इंशाल्लाह अगले संडे उस वीडियो में आपके क्वेश्चन को कवर करूँगा एंड उसका आंसर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।